जरूरत है कि एडसेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि उससे पैसा कैसे कमाया जाए। यूट्यूब से आपके पास जो ऐड चलते हैं वो यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करेंगे, यूट्यूब पे कैसे पैसा कमाएंगे, या फिर आप अगर अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहे हैं तो उस वेबसाइट पे। ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड जो है वो ब्रांड पैसा नहीं कमाता। एनडीटीवी आज तक ये जितने न्यूज चैनल्स हैं सारे के सारे एडसेंस अकाउंट पे कनेक्ट करके रखते हैं, सब पैसा कमा रहे हैं क्योंकि यूजर्स हैं इनके पास। तो हर कोई पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं? निशि मैम कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। चलिए आज आज तो रिजल्ट ऐसा आया है कि एक तरफा बिल्कुल सरकार बन गई है, तो बहुत अच्छा है। और बोनस आगे वगैरह सॉरी तो मिलेगा सर आपको? बोनस वगैरह तो मिलेगा सर, आप वही हैं दो सर, दिन अब देखते हैं सर। मैं तो सेशन के लिए यहाँ बैठा हुआ था, पर मेरी आज कुछ ज्यादा एंगेजमेंट थी, बट मैंने कहा नहीं, सेशन भी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं सर। बेनिफिट बेनिफिट ऐसा नहीं होता है कि। चलिए निशि मैम, कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन आपको? आपने वो वीडियो देखी मैंने आपको भेजी थी मैम, आपने वू कॉमर्स की वीडियो देख ली वो? निशि मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? जी फेसबुक का सर, वो एड्स का अकाउंट जो मैंने बनाया था उसमें भी वो एड्स प्रॉपर पब्लिश नहीं हो रहा है, जी और मैं उसका बीडिंग का जो 20 पैसा 40 50 पैसा वो जी करते हैं तो पब्लिश का ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नहीं आता, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है, क्या ऐसा जी कुछ? क्योंकि सर पेज एक ही बार पब्लिश होगा अपने लाइफ में, एक बार पब्लिश हो गया हो गया। मैं एड्स की बात कर रहा हूँ सर, हाँ मैं एड्स वही कह रहा हूँ सर, एड जो है, एड आपने बना दिया ना, तो एड अब रिव्यू करेगा, वो 2-3 दिन टाइम लगता है उसके रिव्यू में। रिव्यू हो गया, पब्लिश भी हो गया, बट उसका जब उसपे इम्प्रेशन वगैरह नहीं आ रहा, उसका मैं बिडिंग चेंज कर रहा हूँ, बिडिंग जी चेंज करने के बाद सेव का ऑप्शन आना चाहिए ना, वो एक्टिव होना जी चाहिए, जी ऑप्शन एक्टिव नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली वो सेव ऑफ में चले जाता है, हाँ सर, वो उस पेज पे आप जैसे चेंज करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है वहां पे। नहीं उसमें अलग से सेव करने का जरूरत नहीं पड़ता। सर, उसमें अलग से सेव करने की जरूरत है नहीं। ओके सर, बाय शामिल। चलिए सर, एडसेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ये एडसेंस है क्या? बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, नहीं तो जितने लोग नहीं आए हैं प्लीज इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में देखिएगा। एडसेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिजिटल मार्केटिंग का। एडसेंस में क्या होता है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और एक ब्लॉग बनाया है, इस वेबसाइट या ब्लॉग में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, ध्यान दीजिएगा ये सारे प्रोटोकॉल से, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट कभी अप्रूव नहीं होगा। गूगल के पास दो पॉलिसीज हैं। गूगल क्या है? गूगल ब्रोकर है, गूगल एक मीडिएटर है, मतलब एड चलाने वाले को एड ढूंढने वाले से मिलवा रहा है, मतलब एडवर्टाइजर और जो विजिटर है उन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है गूगल। अब जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र जी, आपको अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा लेवल, बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से अप्रोच करेंगे, उनको मेल करेंगे कि भैया अपनी वेबसाइट पे हमारा एड दिखाओ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आप एडवर्ड्स यूज कर रहे हैं और उसमें डिस्प्ले कैंपेन्स बना रहे हैं, तो आप उन लोगों को बिना ईमेल किए, उनके बिना मर्जी के, आप अपना एड वहां दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस प्लेस को पब्लिकली बेचा हुआ है गूगल को। गूगल को उन्होंने अपनी दुकान रेंट पे दे दी है, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने हेडर, फुटर या फिर जहां जहां वो कोड लगाएंगे वहां वहां पे उनका अकाउंट में आपका एड दिख जाएगा। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आप डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं एडवर्ड्स के अंदर, तो वहां पे आपने देखा होगा प्लेसमेंट दिखता है, प्लेसमेंट एक टैब होता है ना धर्मिंद जी, उस प्लेसमेंट टैब में आप जैसे याद है यूट्यूब के टाइम हम वीडियोस, या फिर यूट्यूब के टाइम हम प्रॉपरली देखते थे कि कौन कौन से वीडियोस के ऊपर अपना एड लगाना है, वैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आप अपनी वेबसाइट्स पे टारगेट कर सकते हैं कि चलो एनडीटीवी की वेबसाइट पे मेरा एड दिखे, या फिर एलजी की वेबसाइट पे अगर कोई एलजी का ब्लॉग है तो वहां पे मेरा एड दिखे, ठीक है? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब ये जो एडवर्टाइजर और ये जो विजिटर है, इन दोनों के बीचों में जो गूगल है वो काम कैसे करता है? एडवर्टाइजर के लिए जो अकाउंट है उसका नाम है गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड्स या फिर गूगल एड्स, और जो कंपनी का ओनर है जिसकी वेबसाइट पे दिख रहा है एड, वो पैसा कैसे कमाएगा, उसके लिए अकाउंट है एडसेंस। अब ये जो एडसेंस है ये काम कैसे करता है, कुछ हम पहले देख लेते हैं कि एड्स दिखते कैसे हैं। एडसेंस के आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, इसलिए बहुत इजी है, बट मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूं आपको कि एड दिखता कैसा है उसका।
यहाँ पे चलते हैं और आज तक चलते हैं, आज तक जैसा भी चैनल एडसेंस बहुत अच्छे से यूज करता है। ये देखिए इनके सामने ये ऐड दिख रहा है आपको सामने अभी? Yes, sir. मैंने कोई भी पेज खोला, ये देखिए सामने ऐड दिख रहा है आपको, ये अभी थोड़ी देर में प्ले हो जाएगा, अभी लॉगिन नहीं हुआ होगा, पेज लोड हो रहा है अभी। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इन्होंने गूगल को बेचा हुआ है। और यहाँ पे ऐड कौन सा दिख रहा है? यहाँ वो ऐड दिख रहा है जो मेरे आईडी से गूगल को लगता है कि बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा, तो यहाँ वो ऐड दिख रहे हैं। अभी चलते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आगे कि इस अकाउंट को बनाया कैसे जाए, इस अकाउंट पे काम किया कैसे जाए। ये देखिए ऊपर भी इसने ऐड लगा रखा है ना, यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कनेक्शन समझिएगा, जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, जो भी एडवर्टाइजर होगा उस एडवर्टाइजर ने जितना भी पैसा गूगल को दिया होगा उसका 60% गूगल रख लेगा और 40% इस आज तक की वेबसाइट को दे देगा। एडसेंस अकाउंट बनाना कैसे है? एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एडसेंस का जो वेरिफिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैनुअल प्रोसेस है धर्मेंद्र जी। इस प्रोसेस में कहीं पे भी ऑटोमेशन नहीं है, ये एक मैनुअल प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, जिसमें आपकी वेबसाइट कंप्लीट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट फेक है, जैसे आपने सिर्फ पोस्ट ही पोस्ट डाल दी, आपने अबाउट अस नहीं डाला, आपने कॉन्टैक्ट अस नहीं डाला, आपने अपना फोन नंबर नहीं डाला, है ना, आपने कॉन्टैक्ट अस की डिटेल अच्छे से अपलोड नहीं किया, आपने प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डाली, तो इन सब चीजों के लिए आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो सकता है। अब समझने के लिए कि गूगल एडसेंस अकाउंट हमारा डिसअप्रूव क्यों हुआ है, जब गूगल एडसेंस की टीम आपका अकाउंट डिसअप्रूव करेगी तो आपको स्पेशली रीजन भेजेगी, एग्जैक्ट रीजन भेजेगी कि आपके अकाउंट में दिक्कत क्या है, फिर वो प्रॉब्लम्स उठाइएगा अपनी वेबसाइट में, उन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिएगा, फिर रीअप्लाई कीजिएगा। क्लियर है धर्मेंद्र जी? ठीक है सर। आजकल बड़ा टफ हो गया है सर एडसेंस अकाउंट रिव्यू करवाना, पहले बहुत इजी था क्योंकि भीड़ कम थी। सिंपल गूगल पे जाइए, एडसेंस टाइप कीजिए, आपके सामने एडसेंस का अकाउंट दिख जाएगा, इस पे जाइए, सबसे ऊपर लिंक है मेक मनी एंड ये इनका लॉगिन विंडो है। इस लॉगिन विंडो में सबसे पहले आपको साइन इन करना है किसी भी एक गूगल की ईमेल एड्रेस से, गूगल की ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें साइन अप करने के लिए आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, अगर आपकी एज 18 से ऊपर नहीं है तो आप अपने किसी भी पेरेंट्स या फिर किसी भी रिलेटिव का यहाँ पे नंबर और जो भी चीजें वो डाल सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं तरीके से, क्योंकि आपकी एज लिमिट 18 होनी जरूरी है। अब मैंने अभी ये अकाउंट डाला हुआ है, ये डेमो अकाउंट आप लोगों की बना हुआ था जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, मैं इसके पीछे दूसरा अकाउंट खोल के आपको लोगों को दिखाता हूं तो समझ आएगा कैसे होता है, एक नया अकाउंट कैसे बनता है। यहां पे साइन अप पे क्लिक कीजिए, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहां आपकी वेबसाइट पूछी जाएगी, जो भी वेबसाइट आप यहां पे डालें ध्यान रखें वो वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए 100%। अगर मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूं, अगर उसमें आप पोस्ट डाल रहे हैं तो मिनिमम 50 पोस्ट डालिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। वेबसाइट की एज 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, अगर आप 6 महीने से पहले आपकी वेबसाइट का आप डालते हैं डेट तो वो आपका 60% चांसेस होते हैं कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो जाए, क्योंकि अगर 6 महीने से आप मार्केट में नहीं है तो गूगल को लगता है आप फेक हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने से पुराने बिजनेसेस को गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता। गूगल एडसेंस, अगर आपने वेबसाइट कल बनाई है और आप कल आके यहाँ पे अप्रूव करवा रहे हैं तो हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट का कॉन्टेंट बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, जो लोगों की मदद कर सकता है, तो गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देगा। ये एक मैनुअल वेरिफिकेशन है, याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे वेबसाइट को हमारी वेबसाइट है जी, बताएं मैम कितनी बार भी डिसअप्रूव हो सकता है और हम इसे कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये इस वेबसाइट के थ्रू हम डोमेन और होस्टिंग सेल आउट करते हैं। सो मैं इस अकाउंट के लिए एक ट्रायल बनाता हूँ, और ट्रायल करने के लिए मैं यहाँ पे जाके इस वेबसाइट को यहाँ डालता हूँ। ये रही वेबसाइट, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, एक नई ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ मैं। मैंने आप लोगों के लिए आज एक ईमेल एड्रेस बनाई है यहाँ पे, इसको नो कर दीजिएगा, नॉर्मली सजेशन आपको भेजता रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करके वेरिफिकेशन करवाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी साइट भी वेरीफाई करवानी है कि आपकी साइट एक्चुअली आपकी है भी या नहीं है, क्योंकि लेट सपोज आपने एडसेंस अप्रूव करवा लिया, किसके आपने एडसेंस अप्रूव करा लिया, वो याहू के नाम पे, और आपकी वेबसाइट है कुछ और, है ना धर्मेंद्र जी, हो सकता है ना? हो सकता है, तो उसके लिए शायद वो कुछ कोड देगा उससे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा इसने मेरे गूगल आईडी से उठा लिया कि मेरा नाम क्या है। यहाँ पे अगर आप गलत आईडी से लॉगिन है तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। नीचे चेंज द इन्फो, यहाँ पे आपके इन्फो पूरी की पूरी दिखेगी, जो आपने अपने अकाउंट बनाते टाइम अपना इन्फो दिया था वो इन्फो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, इंडिया। इसको ध्यान से रखना बहुत जरूरी है, कुछ भी गलत करेंगे मैनुअल प्रोसेस है। ये एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं चाहूंगा इसको आप लोग पढ़ें। यस पे क्लिक कर दें, क्रिएट अकाउंट। टीचर है उनके लिए पढ़ना आसान होगा सर। सॉरी सर, निशी जी टीचर है उनके लिए पढ़ना आसान होता है, उनको बोल दीजिए वो पढ़ के आपको समझा देंगे। सर आपका तो पढ़ा पढ़ाया है, आप और जल्दी समझा देंगे। मैं कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा इसमें। इस पे कुछ क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। देखिए सामने, आपके सामने बिजनेस पूरा आ गया। यहाँ पर आप पूरा का पूरा अपना अकाउंट, जो भी पेमेंट प्रोफाइल है, ये जब आप ऐड करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पेमेंट प्रोफाइल यहाँ से आ जाएगी। पेमेंट प्रोफाइल आने के बाद ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, जो डिसेबल्ड है, ये सारी चीजें एनेबल हो जाएंगी जब गूगल आपको वेरिफिकेशन ईमेल भेज देगा। यहाँ पर ये सारी चीजें आपके पास तभी वेरीफाई हो पाएंगी जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। दैट मींस अब जब आपने वेबसाइट डाली है, यहां से इसको सबमिट करने के बाद इस पे क्लिक कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, अपनी वेबसाइट में जाइए और /body के ऊपर इसको डाल दीजिए। /body के ऊपर डालने के बाद आप जब डालेंगे, यहां पे डाल दीजिएगा आई हैव पेस्टेड द कोड इनटू माय साइट एंड डन। अब ये साइट में देख रहा है कि हमारी साइट में वो कोड है भी या नहीं है। कंटिन्यू विदाउट कर दीजिए, जो भी आपको करना है, अगर आपने डाल दिया है सही में तो डाल दीजिए। यस कंटिन्यू कर दीजिए, और ये एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। अब ये मेरी अकाउंट पे जाके गूगल एक मैनुअल प्रोसेस यूज करेगा, गूगल का कोई भी एम्प्लॉय, और ये एक्चुअल गूगल का एम्प्लॉय होगा धर्मेंद्र जी, ये एक्सेंचर वाले नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये वहां से रहेगा, तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स मैच करने बहुत जरूरी है ना। कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। आपसे इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछा जा सकता है धर्मेंद्र जी, या फिर मान लीजिए आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि किसी अकाउंट का कोई आपसे बोले कि सर मेरे को एडसेंस अकाउंट बनाना है, मेरे वेबसाइट के ऊपर गूगल का भी एड्स दिखें, तो आप वो आपसे पूछ सकता है कि सर मैं कोड कहां से लूं। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोड वहां से मिस कर दिया तो दोबारा कोड यहां से आप ले सकते हैं। दूसरे अकाउंट में लॉगिन करते हैं, ये अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। दूसरे अकाउंट में लॉगिन करते हैं, नमस्कार सुजीत सर कैसे हैं? सर दिल्ली में मौसम सही है आज? नहीं मैम, बहुत खराब मौसम है। सर फिर भी क्लास हो रही है ना, इसलिए मैंने पूछा। मैम वो थंडरस्टॉर्म नहीं है, बिकॉज थंडरस्टॉर्म के टाइम हम क्लास कैंसिल कर देते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश बहुत हैवी हो रही है, बट थंडरस्टॉर्म नहीं है मैम। चलिए ये सामने देखिए, कुछ इस तरीके का अकाउंट आप लोगों को दिखेगा जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे के सारे अकाउंट्स हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको अमाउंट दिखेगा, आपका जो अमाउंट है वो डॉलर में आएगा हमेशा,
आप अपना बैंक अकाउंट क्रेडेंशियल देंगे और बैंक अकाउंट एनईएफटी ये सारी चीजें आप देने के बाद जब आप उसको दे देंगे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो INR में ही आएगा क्योंकि आपने कंट्री इंडिया सेलेक्ट की है, लेकिन गूगल आपको पे आउट करेगा डॉलर में, डिपेंड्स उस टाइम डॉलर और INR का रेट कितना चल रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग काम करते हैं एडसेंस अकाउंट पे, तो उस टाइम हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हम पेमेंट तभी डिमांड करें जब पेमेंट वहां पे हमारा डॉलर का रेट अच्छा जा रहा हो, वरना लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे एड्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एड्स के अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कौन सा एड आपको दिखाना है, एड यूनिट्स में आप जाइए, अलग अलग टाइप के आप एड्स बना सकते हैं, मतलब गूगल से डिमांड कर सकते हैं कि इसका कोड हमें दे दीजिए, गूगल ऑटोमेटिकली, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किस टाइप का एड दिखेगा, ये वो जो बंदा मैनुअली आपकी वेबसाइट देख रहा है वो आपके बिजनेस को समझेगा और उस टाइप की कैटेगरी में आपको डालेगा। ओके, यहाँ पे आप पूरा का पूरा बना सकते हैं अपना टारगेटिंग मेथड, यहाँ पे चैनल बना के आपको एड्स के यहीं से कॉपी मिल जाएगी, कि जो एड की कॉपी का मतलब आपकी जो वेबसाइट में जो आप कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो वहां पे आप डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट कोड को ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है, तो वहां पे वो ऐड शो करना जी, बिल्कुल ये आप नहीं बताए मैम, हमें ये कोड मिलेगा, सॉरी मैम, सर ये हमें कोड मिलेगा हम तभी तो ऐड करेंगे इसको। बिल्कुल मैम, कोड आपको तभी मिलेगा जब आपकी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑटो एड्स पे गया और गेट स्टार्टेड किया, और यहाँ पे देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे अब टेक्स्ट और डिस्प्ले एड दिखे, किस किस टाइप के एड दिखेंगे यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एड्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये इस टाइप के एड दिखेंगे, मुझे दिखा रहा है कि इस तरीके के एड मेरी वेबसाइट में दिखेंगे, देख लीजिए। Okay. देखें आपने इस तरीके के ऐड कभी, धर्मेंद्र जी देखते होगा हम फॉर श्योर, तो इन सब तरीके के ऐड आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप इसके बाद जब आप जाएंगे कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, जब आप इसको ऑटो ASD फॉर्मेट में डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए स्क्रिप्ट दिख गया, दिख रहा है, इसको हेडर में ऐड करना है, बस यहाँ से कॉपी कीजिए और उठा के अपनी वेबसाइट में डाल लीजिए, हेडर में ना सर, आप कहीं पे भी जहाँ पे भी ऐड दिखाना चाहते हैं। ओके सर, जहाँ पे हाँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव मैंने सेलेक्ट किया था, तो रिस्पॉन्सिव ऐड मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो अपने आप उठा के उठा लेगा वो। एड स्टाइल्स पे जाइए, एड स्टाइल्स पे देखिए क्या क्या आपको दिखता है, आपको कलरफुल दिखाने हैं, किस किस कलर में आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, सेव करता हूँ, तो मेरे के डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो गूगल के, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं इसको, ये आपके एड्स देखिए, ये देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो लाइक पिंक कलर में, तो आपका अगर वहां पे ब्लू कलर का एड दिख रहा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एडवर्टाइजर एड बना रहा है उसने भी तो कलर चूज किया होगा धर्मेंद्र जी, तो फिर यहाँ पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना सर, मजेदार क्वेश्चन, उसने भी कलर, यस सर, बात बराबर, बात सही है ना। चलिए निशी मैम आंसर दे पाएंगे इस चीज का, जो एडवर्टाइजर है उसने भी कोई कलर चूज किया होगा, तो यहाँ पे हम कलर कैसे चूज कर रहे हैं, पता नहीं सर, धर्मेंद्र जी कुछ जी बताएं, अपने डिस्प्ले का एड कलर चूज किया होगा ना, मतलब मैंने तो डिस्प्ले में, जी बिल्कुल डिस्प्ले का कलर चूज किया है। नो आइडिया सर। चलिए जब आप डिस्प्ले में टेक्स्ट एड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा धर्मेंद्र जी, जब आप डिस्प्ले में टेक्स्ट एड बनाते हैं तो वहां पर आप नॉर्मली अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, अगर आप इमेजेस लगा रहे हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट एड बना रहे हैं तो टेक्स्ट एड में आप कोई कलर चूज नहीं करते डिस्प्ले फॉर्मेट में, एडवर्ड्स में, तो यहाँ पे एडवर्टाइजर जो जिसकी वेबसाइट है वो अपने आपके जैसे बटन से, यहाँ पे और किसी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ बटन के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, यहाँ देखिए ये आपको दिखा रहा है, अगर मैं चाहूं
तो इसके बटन्स के कलर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जैसी सेव एंड स्टाइल करेंगे ये इस कलर्स में ऐड डिस्प्ले होने लग जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं साइट्स। आप यहां पर एक बार में 10,000 साइट्स डाल सकते हैं, 10,000 वेबसाइट्स। एक एडसेंस अकाउंट 10,000 वेबसाइट्स पे काम कर सकता है। ब्लॉकिंग कंट्रोल, ब्लॉकिंग कंट्रोल यहां पे आप एडवर्टाइजर को ब्लॉक, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर एडवर्टाइजर को आप ब्लॉक कर दें, तो जैसे मैं चाहता हूं सुपर अप्लायंसेस वाला मेरी वेबसाइट पे कभी अपना एड ना दिखा पाए, तो मैं यहाँ पे सुपर अप्लायंसेस को ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है सर, ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी न्यूज चैनल वेबसाइट है, तो आप पोर्नोग्राफी कभी ऐड नहीं करना चाहेंगे, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे पोर्नोग्राफी की चीजों को ऐड कर सकते हैं। जनरल कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अलाउ करना है नहीं करना है। इस कैटेगरी में से आप जिन जिन को अलाउ करेंगे वही वही लोग आपकी वेबसाइट पे दिखेंगे। ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी वेबसाइट को रीड करके उसमें से डेटा ऑटोमेटिकली निकाल रहा है, लेकिन आप इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहां से आप इसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं कि भैया मेरे को ज्वेलरी का एड नहीं दिखाना, तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। क्लियर है जी सर। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि लोग पोर्नोग्राफी को ब्लॉक कर देते हैं, बट गूगल तो खुद ही इसको हमारे उस पे ऐड शो ही नहीं करेगा उसका। मैम ये डिपेंड करता है ना, जैसे मान लीजिए आप, आपको जो ऐड दिख रहा है, लेट्स सपोज आपने एक घंटे पहले कोई पोर्नोग्राफी वेबसाइट देखी है, तो आप अगर उस पोर्नोग्राफी वेबसाइट ने अपनी रीमार्केटिंग टैग को लगाया हुआ होगा, जैसे याद है आपको फेसबुक पिक्सल्स, तो अगर उसने उस टाइप के एड्स को उसने लगा रखा होगा कोड्स को, तो उसकी मेमोरी में मतलब आपके सिस्टम में तो स्टोर हो गया ना कि आप उस वेबसाइट पे गए जी। अब क्या होगा, अब आप दूसरे किसी भी वेबसाइट पे जाओगे जहां पे कोई डिस्प्ले कैंपेन चल रहा होगा और एडवर्टाइजर अगर वही होगा तो आपका एड उसको दिखेगा, मतलब उसका पोर्नोग्राफी का एड उसको दिखेगा। तो अगर मैं चाहे आज तक पे चला जाऊं, चाहे मैं एनडीटीवी पे चला जाऊं, कुछ भी चला जाऊं, तो मेरे लिए स्पेसिफिक मेरा एड दिखेगा ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं, आज तक पे दोबारा चलते हैं। ये एक एड है, इसको लोड जान दीजिए, देखते हैं यहां पे कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखता है। रीमार्केट सर, विजिटर एक ही वेबसाइट को अलग अलग जगह अलग अलग समय विजिट करते हैं, तो गूगल हमसे सबका चार्ज लेता है या एक ही क्लिक का चार्ज लेता है। अभी मैं वही आपको समझा रहा हूँ सर। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे किस चीज का एड दिख रहा है, एडोबी का एड दिख रहा है ना। चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं और धर्मेंद्र जी अपनी स्क्रीन को शेयर करें। याद रखिएगा प्रोटोकॉल्स मैंने बताया है, जब तक वेबसाइट 100% कंप्लीट ना हो एडसेंस में अप्रूवल के लिए मत डालिएगा। बार बार रिजेक्शन भी अपने आप में गलत है। सर यहाँ पे आज तक खोलें, चलिए वेट करें सर थोड़ी देर, लोड हो जाएगा ऐड। और नीचे करें, ऐड थोड़ा और नीचे था शायद इनका, ऊपर कर लें सर। चलिए कोई ऐड आ गया है सर, ऐड नीचे करें, मुझे कंट्रोल दे दीजिए। चलिए लगता है धर्मेंद्र जी ने कुछ सर्फ ही नहीं किया होता, उनको ऐड ही नहीं दिख रहे। सर आपने कुछ ऐड ब्लॉगर लगा रखा है क्या? हाँ सर, एक मिनट, यस यस, ऐड ब्लॉगर ऑटोमेटिकली है, एक मिनट जी।
सर बेचारों को क्यों बिजनेस खराब कर रहे हैं? रोम ओपेरा के अंदर सब ऑटोमेटिकली सब आता ही है एड बिल्कुल ब्राउजर। बिल्कुल, आजकल सारे लेटेस्ट ब्राउज़र्स में आने लग गए हैं सर, लोग तंग आ चुके हैं सर बार बार पॉपअप खोल खुल के। सर आ जाएगा, सर आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। चलिए मुझे कंट्रोल दे दीजिए सर एक बार। हाँ वहां पे देखिए मुझे एडोबी का ऐड दिख रहा था, इनको देखते हैं किस चीज का ऐड दिखता है। जो भी है यहाँ पे डिफरेंट ऐड दिखेगा, बिकॉज इनके और मेरे सर्फिंग में अलग अलग मैकेनिज्म है। यहाँ पे टॉप में देखिए इनको क्या दिख रहा है, मैरियट का ऐड दिख रहा है, मैरियट होटल का। हो सकता है इन्होंने कहीं पे आसपास आने अभी रिसेंटली कभी मैरियट के किसी एड पे क्लिक कर दिया होगा या मैरियट वेबसाइट पे गए होंगे नहीं तो। सर, ये सॉरी तो आपके आपके यहाँ भी शो कर रहा था मैरिट वाला, मैरिट सर, वाला आपके यहाँ भी शो कर रहा था तो हो सकता है सर उन्होंने टॉप एड जो ना। है वो गूगल ने वही फिक्स कर रखा होगा, या फिर ये जो एडवर्टाइजर है, जो एडवर्टाइजर है इसने, इस एडवर्टाइजर ने आज तक डॉट कॉम पे अपने प्लेसमेंट किया हुआ होगा कि टॉप बैनर ऐड पे मैं देखूं, है हाँ वही बात बराबर है। ना, ये भी हो सकता है। सर टॉप के या फिर जब बॉटम पे या फिर साइड के, इस सब के चार्जेस डिफरेंट होते हैं? मैम 100% डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है आपकी जो बिडिंग है ना, ये रियल टाइम बिडिंग होती है। तो 100% जैसे यहाँ पे टाटा एआईजी का दिख रहा है और मेरे सामने दूसरा दिख रहा था, एडोबी। ये इसीलिए है क्योंकि वहां पर मैं एडोबी से पैनल से जुड़ा हुआ था, तो वहां पे इसलिए दिख रहा है। और यहाँ पे टाटा एआईजी इसलिए दिख रहा है कि या तो इन्होंने इस पे क्लिक किया, नहीं तो एक जनरल एड इनको दिख रहा है ना। ठीक है। अच्छा अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, टाटा एआईजी के अकाउंट से पैसे कट गए, 40% चला गया आज तक को, 60% अपने पास रख लिया। क्लियर है? यस सर। चलिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं सर आप। चलिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है। यहां पर देखिएगा कि हमने जब इस पूरे ऐड पे चलाया, ये देखिए सर टॉप में भी अलग दिख रहा है अब, एडोब भी आ रहा है। है ना, टॉप में भी अलग आ रहा है। तो अब ये समझने वाली चीज है कि इस एडसेंस अकाउंट में जब हम काम करते हैं, यहां देखिए एडसेंस अकाउंट में मैंने आपको दिखाया कि साइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेंट ये भी आप कर सकते हैं, कंटेंट को कंट्रोल कि किस टाइप का कंटेंट है वो आप करना चाहें, मतलब आप रिव्यू कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे कॉन्टेंट को। यहाँ को इसमें दोबारा एनरोल कर लेता हूँ, रीलोड करने से आ जाएगा। अब कभी भी जो भी कंटेंट हमारे पास आएगा वो कंटेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास इसमें कुछ आ नहीं रहा है, ये ब्लॉग कंटेंट दिखाएगा किस टाइप के कंटेंट को आपने ब्लॉग किया है, किसको रिव्यू किया है, किसको अनरिव्यूड किया है। जितनी साइट्स पे आपका एड, जहां जहां पे जिस जिस वेबसाइट के थ्रू आपका एड दिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसकी कमाई दिखेगी। यहां पर आप ये चेक कर सकते, यार इस वेबसाइट का जब कस्टमर, जब एड मेरी वेबसाइट पे चलता है ना, तो दैट बड़ा मजेदार पैसा आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना स्टार्ट किया। क्लियर है धर्मेंद्र जी? यस सर। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे आपकी अर्निंग है, ये देखिए थ्रेशोल्ड, जब आपका पेमेंट $100 जब तक नहीं हो तब तक आपका पेमेंट आपको नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज ट्रांसफर चार्जेस होते हैं। तो अगर $100 से कम ये रखेंगे तो बार बार छोटा छोटा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें चार्जेस ही आपके इतने कट जाएंगे, कुछ भेज ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एड पेमेंट मेथड है, यहाँ पर आप सेटिंग में अपना जो भी एडसेंस अकाउंट है उसका सेटिंग कर सकते हैं। एड पेमेंट मेथड पे करेंगे अपना अकाउंट, आपको अपना कार्ड ऐड करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है कि आप चेक घर पे मंगवाएं या फिर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मंगवाएं, ये आपकी मर्जी है। ओके। आप ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो आप वहां पे ही कर सकते हैं कंट्रोल।
अकाउंट पे कुछ भी नहीं है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल सेटिंग्स है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी चीजें, कैंसिल अकाउंट कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं आपको, क्योंकि जो जहां के भी आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिव्यू हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, किसका एड कब आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, तो जरूरी भी है ये, इसीलिए जरूरी है क्योंकि धर्मेंद्र जी लेट सपोज मैं आज तक चैनल हूं और मेरे को अगर मेरे डेटा में दिखता है कि यार मेरी वेबसाइट पे पोर्नोग्राफी का एड भी दिख रहा है तो ये मेरे को स्टॉप करना चाहिए ना। बराबर, तो इसीलिए ये रिव्यू जरूरी है कि जब आप काम करेंगे तो यहां से आप कहां से इस पे जाएंगे, ब्लॉकिंग कंट्रोल से, ब्लॉकिंग कंट्रोल से कंटेंट के ऊपर। क्लियर है? सिंपल आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी प्रॉपर वेबसाइट को चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे किसका एड दिख रहा है तो आप यहां पे ब्लॉकिंग कंट्रोल के अंदर एड रिव्यू सेंटर के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर है जी? बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं, जो फीडबैक आप हमेशा जब एडसेंस यूज करेंगे तो बहुत सारे फीडबैक्स आप इनको देते रहेंगे कि आज ये नहीं चल रहा, आज वो नहीं चल रहा, क्योंकि ये टूल इनका बहुत गया गुजरा टूल है और ये बड़ा स्लो चलता है, तो इसलिए आप लोग ये देते जरूर रहेंगे, मेरे को पता है। चलिए एडसेंस जी बताएं। सर एक सवाल था एडवर्ड का जी। एडवर्ड बिलिंग में सर अगर मैं पूछा जाए कि 20 तारीख को मैंने कितने पैसे खर्च किए, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? दोबारा पूछे सर क्वेश्चन। अगर मैं इसे सवाल किया जाए कि 20 मई को मैंने कितने पैसे खर्च किए एडवर्ड में, यह जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? सर आप चेक कर सकते हैं 20 मई, जैसे आप जिस लोकेशन पे आपने चेक किया है ना, जैसे लेट्स सपोज आपने जीएमटी पे सेलेक्ट किया हुआ है और कैलकाटा टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप 12 घंटे का फिगर देखेंगे, 24 घंटे का फिगर देखेंगे, आप ऊपर कस्टम रेंज देखते हैं। सर बिलिंग में एक्चुअली पहले जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आता था उसमें प्रॉपर हर्ड एट का शो करता, बट अभी जो बिलिंग है उसमें इस तरीके से सो नहीं करता उसमें। वो कस्टम डेट वाला ऑप्शन सर उनका एरर है, वो कुछ कोई हटाया नहीं है उन्होंने, वो एक एरर है। तो नहीं, अगर मुझे जानना है प्रॉपर 20 तारीख को मेरा कितना स्पेंड हुआ कैसे मुझे पता चलेगा? सर आपको ये देखना है कि आपने गूगल को 20 तारीख को कितना पे किया या फिर आपको कितने का एड चला, ये देखना है आपको। कितने का एड चला है सर? तो कितने का एड चला वो तो सिर्फ आप कैंपेन के अंदर जा सकते हैं। अपने स्क्रीन को शेयर करें सर, मैं दिखाता हूं आपको। एडवर्ड्स पे जाइए। चलिए एडसेंस टॉपिक हमारा यही है। एडसेंस में अब हमें बस ये देखना है कि यूट्यूब में एडसेंस कैसे इनेबल करते हैं और उसके बाद हमारा एडसेंस टॉपिक क्लियर है। याद रखिएगा प्रोटोकॉल्स, सबसे पहली चीज एडसेंस में तभी अप्लाई कीजिएगा जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाए। 6 महीने से ऊपर अगर आपकी वेबसाइट हो गई है तब अप्लाई करेंगे तो 100% चांसेस होते हैं कि आप अप्रूव हो जाएं। जी सर, ये गूगल हमारे साथ चीटिंग नहीं करेगा कि अब वो हमें पैसे नहीं दे बाद में? तो नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। गूगल आपके प्लेटफॉर्म पे मैम, आप अगर गूगल पैसे नहीं देगा तो आप दोबारा दिखाएंगे भी नहीं ना। है नहीं जी? पहले धर्मेंद्र जी जो बिलिंग का टैब था, उस बिलिंग टैब के अंदर सर ऊपर से ही आपका ऑप्शन आता था कस्टम डेट्स का। नहीं, वहां पे नॉर्मली भी वो पूरा डे वाइज शो करता ही था सर। कस्टम डेट्स का ऑप्शन आता था, वो गूगल ने नहीं हटाया है, वो एक एरर है। जो ये जो क्रोम आप यूज कर रहे हैं ना, जो क्रोम यूज कर रहे हैं, इस क्रोम के वर्जन का जावास्क्रिप्ट इशू है, वो तो वो मेरे ख्याल जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। ओपेरा में है सर? ओपेरा में सर? ये अभी ओपेरा में है? यस सर। तो ये तो और ही खत्म होगा, ये कहां से यूज करेंगे इसको जब गूगल ही नहीं दिखा पा रहा। तो मुझे नहीं पता सर वो, क्योंकि गूगल का ये अभी लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आया था कि उनके पास कुछ इश्यू है इस चीज का, बट मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिपोर्ट पुल करेंगे आप। यहाँ जैसे मान लीजिए आपको 20 तारीख का देखना है ना, 20 मई मान के चलते हैं सर।
कोई भी एक टिकट पकड़ लीजिए, ये लीजिए सर आ गया। ओके तो ओके इस तरीके से इसको मतलब आपको कस्टम रेंज में जाके आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है और फिर दोबारा स्टार्ट डेट भी वही एंड डेट भी वही, जैसे मेरे को 21 का देखना है तो स्टार्ट डेट 21 एंड डेट भी 21। ओके बस हो गया ठीक है सर, क्लियर है धर्मेंद्र जी? हाँ सर हाँ ठीक परफेक्ट। चलिए सर स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं आप। सर इस अकाउंट से जो आपका लिंकिंग था वो आपने हटाया है ना? सर मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी अगर कुछ ऐसा हुआ है, बिकॉज़ मेरी टीम इस पे काम करती है। सो अगर वो हटा है, क्या हट गया है क्या वो लिंकिंग? सर वो लिंकिंग हट गई है? हटा है, मैं चेक कर रहा था। हाँ हटा हुआ है जी। तो शायद हो सकता है शायद आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इसकी वजह से उन्होंने, क्योंकि हमारे अकाउंट्स एंटरप्राइज अकाउंट बीच बीच में रिव्यू होते रहते हैं, तो शायद वो हटा के दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे सर दोबारा अभी। चलिए ठीक सर, मेरा अकाउंट थोड़ा आप अपने लेवल पे हफ्ते में एक बार चेक करते रहिए कुछ लगे। 100% मैंने उसके, क्योंकि हम लोग जब अकाउंट कनेक्ट करते हैं ना, तो जब मैं पर्सनली उसको कर रहा होता तो मैं उसमें नोट्स जरूर डाल देता हूँ, और हमारी टीम जब काम करती है पूरी की पूरी तो उसपे नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम होता है, तो मैंने उस पर डाल रखा है कि प्रायोरिटीज अकाउंट है। लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि धर्मेंद्र जी उस पर कर क्या सकते हैं, लेकिन मैं जितनी कोशिश होगी करके जरूर देखूंगा सर उस पर। नहीं एक बार आप अपने हिसाब से एक नजर करते रहेंगे कुछ ना कुछ आइडिया आपको आता रहेगा। बिल्कुल 100% सर, 100% बिल्कुल सर, निश्चिंत रहिए। वो कोर्स खत्म होने के बाद भी आप टच में रहेंगे सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। चलिए सर अभी देखते हैं, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में जो मैं डिस्कस करूंगा। सर ये 6 महीने कब से स्टार्ट होते हैं? सॉरी मैम, सर ये 6 महीने जो है वो कब से स्टार्ट होते हैं? जिस दिन से आपका डोमेन रजिस्टर हुआ है। अच्छा तो 6 महीने तो वेबसाइट बनाते बनाते निकल जाएंगे सर। हाँ और क्या। चलिए और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डोमेन रिन्यूअल गया है, अगर आपका डोमेन रिन्यूअल पे गया है, जैसे लेट सपोज आपने डोमेन को लेट सपोज आपका डोमेन नेक्स्ट ईयर के लिए आपने चार्ज करना भूल गए, उसको रिन्यू करना भूल गए, तो वो जीरो नहीं होगा, वो आपका एक्सटेंशन पीरियड में जाके गूगल एड्स के लिए या गूगल एडसेंस के लिए वो 2 साल पुराना या 1 साल पुराना ही होगा। ठीक है ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा, एक एससी रैंकिंग एक एप्लीकेशन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि कैसे आप लोग काम करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे पूरी वेबसाइट्स का। सो उसके लिए ये देखिए एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में लेट्स सपोज आपको किसी कस्टमर के लिए एक प्रोफाइल रेडी करनी है। मैंने आप लोगों को बोला था याद है, 2 अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो ये कि कस्टमर के पास वेबसाइट है, और दूसरी अप्रोच है कस्टमर के पास वेबसाइट नहीं है। तो पहले पहली वाली अप्रोच को पकड़ते हैं कि कस्टमर के पास वेबसाइट है। बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें से कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको भी बता देता हूं, उन टूल्स को यूज कीजिएगा। ये जो नील पटेल का टूल आप देख रहे हैं, ये टूल भी नील पटेल का टूल नहीं है, ये एसईओ ऑप्टिमाइजर का वाइट लेबल टूल इन्होंने यूज किया हुआ है, जिसको आप भी अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां चलते हैं और सुपर अप्लायंसेस को टेस्ट करते हैं। फटाफट अगर आप टाइम ना हो, कस्टमर फोन कर रहा है, फटाफट इस चीज पे जाइए, यहां पे आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट या फिर किसी कस्टमर की वेबसाइट को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या जरूरत है उस पर काम करने की, और पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट की रिपोर्ट आ गई।
कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, किन किन चीजों पे बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हैं, ये सीधा इसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने कस्टमर के सामने बैठ जाइए। वो जब इस टाइप की रिपोर्ट देखेगा ना तो अपने आप प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, अपने आप प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए इसको आप सेव नहीं कर सकते हैं, इसको आप सेव नहीं कर सकते हैं, तो सेव करने के लिए क्या करें? चलिए ये हमारा टूल एक्सेस हो गया। अब हमारे पास एक बार टॉपिक्स रिव्यू कर लेते हैं, हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं। हमारे पास एसईओ टूल मेरे को करना था, इसको कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जी बताएं सर, इंटरनेट इशू क्या, आपका आवाज स्टॉप हो जा रहा है। सॉरी सर, सर अभी बीजी है सर, अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है सर, मतलब बीजी हो जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब जब अगली बार बीच में होगा तो मुझे बता दीजिएगा सर। चलिए मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक अभी क्लियर है हमारे, हमारा लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और इस पर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। तो ये तीन टॉपिक्स अभी हमारे बचे हैं और हमारा एडवर्ड्स का फाइनल टच बचा हुआ है। तो ये हम फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग अपने लेवल पे मेहनत कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा पूछते रहिए, जीवन भर के लिए हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं और हम दोबारा मिलते हैं कल, और कल बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बात कीजिएगा। एडसेंस के लिए अगर काम करना है अपनी वेबसाइट में ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, और उसको अप्रूवल के लिए बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है, उसमें पूरी पॉलिसीज को कीजिएगा। जब हमने याद है निशीमान, जब हम एडसेंस अकाउंट बना रहे थे तो एक चेकलिस्ट दिया था उसने हमें चेक करने के लिए पॉलिसीज का, उस पॉलिसीज को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, बट अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, हम दोबारा कल मिलेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।